हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति और किचन गोल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आपने कई तरह का रायता खाया होगा, बट मैं आपके लिए आज एक स्पेशल रायते की रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 200 ग्राम दही। आप जितना रायता बनाना चाहे उतनी दही ले लीजिए। और साथ ही इसके लिए मुझे चाहिए एक प्याज और एक टमाटर और एक हरी मिर्च, और इन तीनों को हम एकदम फाइन चॉप करेंगे। जब आपको भूख लगे और घर में कोई सब्जी बनी हुई ना हो, तब आप इसको रोटी या पराठा के साथ खा सकते हैं। बनाना इसको बहुत ही आसान है, 2 मिनट में बन करके रेडी हो जाता है। और ये रायता बहुत ही हेल्दी होता है। एक बार अगर आपने ये रायता बना के खा लिया तो आप इसके फैन हो जाओगे, और बूंदी का रायता तो आप भूल ही जाओगे। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च तीनों को फाइन चॉप करने के बाद अब हम इसको दही में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखने में इसका कलर टेक्सचर इतना अच्छा लगता है, खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर आप 400 ग्राम दही ले रहे हैं तो उसमें 2 टमाटर, 2 प्याज का यूज़ करें। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक और साथ ही काली मिर्च पाउडर। आप काली मिर्च पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तो उसकी जगह आप जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा हम अपना कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम चलाएंगे, और फाइनली इसको धनिया पत्ती से हम गार्निश करेंगे। रायता है हमारा बन करके रेडी। आपको मेरी ये रायता की छोटी सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।